राहुल गांधी के 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे का रविवार को दूसरा दिन है। राजनांदगांव के स्थित हाई स्कूल मैदान में आयोजित आम सभा में वो शामिल हुए हैं। सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 5 साल पहले ऐसी ही मीटिंग में भूपेश बघेल और मैंने छत्तीसगढ़ की जनता से 3-4 वादे किए थे। हमने किसानों का कर्जा माफ करने का वादा किया था। हमने ये भी कहा था कि धान के लिए छत्तीसगढ़ के किसानों को 2500 रुपए देंगे। राहुल ने लोगों से पूछा कि बताइए हमने सच बोला या झूठ। उन्होंने कहा कि जो हमने कहा वो करके दिखाया। इससे पहले सीएम भूपेश बघेल ने संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने धान का बोनस देना बंद किया। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार फिर बनी तो हम 2 साल का बोनस भी देंगे, बस केंद्र सरकार प्रतिबंध हटा दे। आप याद करो कि 5 साल पहले राहुल जी आयरी से राजनांदगांव में और यहीं रोड शो भी कर रही से और घोषणा पत्र जारी भी कर रही से। आज लगातार अभी राहुल जी जब से आए हैं, पहले बिलासपुर में इस तब वह हमार सरकार का काम करी तेकर बारे में घोषणा करी। कल कोंडा गांव में और भानु प्रतापपुर के सभा में भी बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करे आदरणीय राहुल जी। आप सब बताई और मीडिया के माध्यम से आप सब जान डरे हो। दुर्भाग्यजनक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी 15 साल सत्ता में रही, अभी मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन अभी तक के मन आगे कहूं धोखा से भी जीत जाए जेकर संभावना बिल्कुल नहीं है। का करी तेनो नहीं बताओ। मन मान ले कि हमर घोषणा पत्र का बार जारी करूं जब सरकारें में नहीं आना है, ये उमन सोच ले तब एक ठक वादा नहीं करे। यह आयरी से अमित शाह जी रमन सिंह जी के नामांकन में वो एक ठक बात कही कि भ्रष्टाचारी मल्ल उल्टा लटका के सीधा कर दे। वो तो मैं पढ़े होकर बयान ला तो मैं तुरते बयान दे कि सबले बड़े भ्रष्टाचारी के नामांकन में त्याय सबसे पहले हुई काम कर ले हुई लटका पहले कावर कि चीट फंड कंपनी के पैसा यह रमन सिंह जी ओकर बेटा ओकर परिवार के सदस्य मन सब चीट फंड कंपनी कार्यालय खोले छत्तीसगढ़ के जनता ला लुटवाए काम ला करे। रमन सिंह जी यही नांदगांव में जे में अखोलवा कांड होए बालोद में होए रमन सिंह जी छोटे से दवाई के उहम कमीशन खाए और ओकर कारण से नसबंदी कांड हो गए गर्भाशय कांड हो गए। कमीशन खोरी अतका कि धान में कमीशन चौर में कमीशन राशन कार्ड में कमीशन अतेक कमीशन चलीस कि रमन सिंह ले खुद बोले पड़ीस कि 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दे तो 30 साल राज करो। तो अमित शाह जी से ही कहना चाहता यदि कमीशन खोर मल के खिलाफ सही कार्रवाई करना चाहता तो रमन सिंह जी से शुरुआत कर ले। कहा कि 15 साल लुटवाया के काम ल करे है उकर अलावा कोई काम नहीं। 5 साल पहले ऐसी ही मीटिंग में बघेल जी ने मैंने कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं ने छत्तीसगढ़ की जनता से 3-4 वायदे किए थे। सबसे बड़ा वायदा कि छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्जा माफ होगा और एक ऐसी सरकार आएगी जो किसानों की रक्षा करेगी, जो किसानों की मजदूरों की आवाज सुनेगी और उनको सुनकर सरकार चलाई जाएगी। हमने यह भी कहा था कि धान के लिए छत्तीसगढ़ के किसानों को 2500 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमने आपको
सच बोला था या झूठ बोला था। हमने 15-20 बातें नहीं की थी, हमने 4-5 बातें बोली थी, मगर जो हमने स्टेज से बोला वो हमने करके दिखाया। एक और बात, हमने वायदा किया था कि छत्तीसगढ़ में किसानों को 2,500 रुपए क्विंटल मिलेगा, किया था ना। आज क्या रेट है? आज 2,500 है या 2,640 है? 2,640 है। तो जो हमने वायदा किया था उससे हम आगे निकल गए हैं, वहां हम नहीं रुके नहीं। हम आपको यह कह सकते थे कि देखिए हमने तो 2,500 की बात करी थी, हमने 2,600 700 800 की बात तो नहीं की थी, मगर नहीं, हमने उसको 2,640 कर दिया। और आप बोलो भी ना, हम इसको आने वाले समय में 3,000 तक ले जाएंगे। क्यों? आपको बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम किसान के दिल में जो है उसको हम समझ जाते हैं, और उसकी आवाज जो दिल की आवाज होती है वो हम सुन लेते हैं। आज सुबह किसानों के साथ, मजदूरों के साथ बघेल जी और मैंने थोड़ा काम किया, बातचीत की, और सारे के सारे किसान सब ने हमें कहा कि जो सरकार ने उनके लिए पिछले 5 साल में किया है उससे पहले किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है। 2,500 रुपए प्रति क्विंटल, कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, किसान न्याय योजना में 23,000 करोड़ रुपए, 26 लाख किसानों को, मजदूरों को 7,000 रुपए हर साल, 5 लाख मजदूरों को फायदा मिला। अब देखिए कांग्रेस पार्टी का तरीका देखिए, आज सुबह किसानों से बात हुई, मजदूरों से बात हुई, मजदूरों ने हमें कहा, बघेल जी को, साहू जी को, टीएस जी को, मुझे, कि 7,000 रुपए थोड़ा कम है। मैंने बघेल जी से गाड़ी में बात की और हमने निर्णय ले लिया कि 7,000 नहीं, अब 10,000 रुपए हो जाएगा। 5 साल पहली चुनाव हुई, अब आप सबके आशीर्वाद से कांग्रेस के सरकार बनी, और कांग्रेस के सरकार बनते भार हमार सरकार में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जबका काम हमन करे हैं ते तुम्हार मन के सामने में है। अगर सबोल दोहराए जाए तो कई घंटा लग ही, 70-80 ठन योजना क्रियान्वित करे हैं हमन। सबसे पहला काम चुनाव मैदान में उतरे के पहली माननीय राहुल गांधी जी रायपुर के सभा में आए रही, हमल 10 दिन के समय दे रही, आप मल कह रही कि हमार सरकार बनाओ, 10 दिन में हमन तुम्हार किसान के कर्जा माफ करवो। राहुल जी 10 दिन के समय दीस, आप मन आशीर्वाद देव हमार सरकार बनी, शपथ ग्रहण करें, शपथ ग्रहण करके एयरपोर्ट गेन हमार नेता मल्ला विदा करें, और 10 दिन के हमन इंतजार नहीं करें, सीधा मंत्रालय गेन, और 2 घंटा के अंदर 9,000 करोड़ रुपया से ज्यादा किसान मन के हमन माफी करें। ये सबसे बड़े उपलब्धि हमार सरकार के, आप सब जाना थो पिछले 15 साल में हमार सरकार के पहली हमन जतका विकास करे हो, वो सड़क बनाए हो, वो बिजली पानी पुल पुलिया सब एक दहर, लेकिन ओकर ले बड़े काम 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के सरकार में किसान मन कर्जम लदे रहे, आत्महत्या करे,
लेकिन हमार सबसे बड़े उपलब्धि ये बात के है कि हमार ये 5 साल के सरकार में कर्जा के कारण एक को किसान आत्महत्या नहीं करे है, ये हमार सरकार के सबसे बड़े उपलब्धि आए।